बल्कि मेरी अम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी शायद वो ही आ जाए। उनको किसी ने अच्छे डॉक्टर का बताया यहाँ पर, वहाँ के ट्रीटमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर है और फिर हमारी आंखों के सामने इलाज होगा तो हमें तसल्ली भी होगी। क्यों खतीजा, क्या कहती है तुम? मामू चाय? हाँ तो वो बेटा क्या बात है, तुम उदास हो? बाबा दरअसल हम ना फूफो की तबीयत को लेके परेशान हैं। आप लोगों के जाने के बाद फूफो की तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। क्या बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं? वो मामू आप लोग सो गए थे, मैंने परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। एक्चुअली बाबा हमना ने मुझे भी रात में ही बताया। बाबा मैं सोच रहा हूँ हमना को लेकर चला जाऊँ, इसकी तसल्ली भी हो जाएगी और परेशान भी नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग गुड़िया के पास जरूर जाना चाहिए, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि हमना को एक हफ्ते के लिए उसके पास छोड़ा हूँ। खदीजा क्या कहती है? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये चली जाएगी तो माँ की सेहत में बेहतरी आएगी। नहीं नहीं मामू, अहमद का स्कूल है, एक हफ्ते के लिए तो नहीं जा सकती हूँ। बल्कि मेरी अम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी शायद वो ही आ जाए। उनको किसी ने अच्छे डॉक्टर का बताया यहाँ पर, वहाँ के ट्रीटमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर है और फिर हमारी आंखों के सामने इलाज होगा तो हमें तसल्ली भी होगी। क्यों खतीजा, क्या कहती है तुम? जी बाबा ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं हारिस को आज ही भेज देता हूँ, वो जाके गुड़िया को ले आएगा। भाई ऐसी हालत में वो कैसे आएगी? सॉरी बाबा, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है मेरी नई नई जॉब लगी है और मैं ऑलरेडी ऑफिस से काफी ऑफ ले चुका हूँ। मामू आप परेशान ना हो, मैं आसिफ से कहती हूँ कि अम्मा को लेकर आ जाए, बल्कि मैं अभी कॉल करती हूँ, आज ही ले आए। ठीक है। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।